गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति के बारे में चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रपति की जो कुछ संकटकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये तीन प्रकार से लागू होती हैं, ये तीन प्रकार से निर्धारित की गई है, जिनका विवरण इस प्रकार से दिया गया अपना अध्ययन कह रहे हैं। देखिए, जब किसी देश में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन की घोषणा की जाती है तो तीन प्रकार से की जाती है। एक की जाती है राष्ट्रीय आपात, जो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, और सेकंड नंबर की जो की जाती है राष्ट्रीय शासन, ये 356 के तहत आती है। और तीसरी जो आपातकाल लगता है वो वित्तीय आपातकाल के रूप में लगता है, जो 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल तीन तरह से लगता है, राष्ट्रपति आपातकाल के रूप में, राष्ट्रपति शासन के रूप में और वित्तीय आपातकाल के रूप में। यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में। पहला जो पॉइंट लिया राष्ट्रीय आपातकाल, तो देखो अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उसके द्वारा ही या उसकी कंडीशन के द्वारा ही वो आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तो इसमें देखिए कि अनुच्छेद 352 में उल्लेख है, अगर किसी देश पर तीन शर्तें, अगर किसी देश पर आपातकाल लगाना है तो उसमें तीन शर्तें देखनी पड़ेगी कि पहला, या तो उसको कोई युद्ध की स्थिति हो गई हो, ठीक है, या कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो, या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया है। इन तीनों परिस्थितियों में किसी भी देश में, हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में यह भी उल्लेख है कि अब जरूरी नहीं है कि तीनों कंडीशन साथ हो, इसमें से एक भी कंडीशन अगर राष्ट्रपति के सामने आती है तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि युद्ध की स्थिति, बाह्य आक्रमण की स्थिति या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, तीनों स्थितियां साथ प्रकट हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगे, ऐसा संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि तीनों परिस्थितियों में से अगर एक भी परिस्थिति मौजूद होती है तो राष्ट्रपति वहां पर आपातकाल लगा सकता है। देखिए, ऐसी स्थिति अपने देश में अभी तीन बार हो चुकी है, अपने देश में अभी तक तीन बार राष्ट्रपति जो आपातकाल लग चुका है, वो पहला लगा था 1962 में। अब 1962 में क्यों लगा था, उसका एक रीजन था। रीजन क्या था कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, और उस आक्रमण के दौरान राष्ट्रपति ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, और उस समय अपने देश के जो राष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने देश के राष्ट्रपति थे। दूसरी बार जो देश में आपातकाल की स्थिति हुई वो 1971 में हुई। 1971 में भी वही कारण था, युद्ध कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, इस कारण 1971 में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उस समय प्रदेश के जो राष्ट्रपति है वो वीवी गिरी थे। तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो लगा था 375 में, और वो 375 में जो आपातकाल लगा था वह आंतरिक असंतोष के कारण लगा था। किसके कारण लगा था? आंतरिक असंतोष के कारण लगा था, और उस समय प्रदेश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब यहाँ पर एक बात नोट करेंगे आप कि अपन ने जो अपन ने पढ़ा है, इसके कारण पढ़े हैं कि युद्ध कौन सा है, युद्ध या बाह्य आक्रमण है, ठीक है, या सशस्त्र विद्रोह है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर आंतरिक शांति शब्द नहीं आया है। तो जब अपन मूल 352 की अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद की बात करते हैं तो वहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, वहां पर आंतरिक असंतोष ही था। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, कौन सा, 44वां संविधान, और 1978 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा जो 1952 में लिखित था आंतरिक असंतोष, उस शब्द को हटा करके यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह किया गया था। इसलिए सशस्त्र विद्रोह है आंतरिक असंतोष का एक रूप है, जिसे पहले अपने आंतरिक असंतोष के रूप में जानते।
अब देखिए जैसे मान लो कि अपन ये देख लिया कि आधुनिक जो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है, लेकिन लगने के बाद में इसकी कंडीशन क्या है? देखो अनुच्छेद 352 में उल्लेख है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर, जैसे मान लो किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, अब उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कब तक जारी रखा जाए, ऐसी कंडीशन अपने सामने आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति शासन जैसे आज लगता है, आज से 30 दिन बाद यानी कि उसके भीतर यानी कि एक माह के भीतर भीतर है, उसे संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों संसद के सदन है, इन दोनों सदनों से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के राष्ट्रीय आपातकाल एक महीने के भीतर ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब दोनों सदन उसको अनुमति देते हैं तो अनुमति देने के बाद में ये राष्ट्रीय आपातकाल है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि उसको 6 महीने की अनुमति मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत तक रखा जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत तक रखा जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन वही है। कंडीशन क्या है? इससे मान लो कि राष्ट्रपति आपातकाल लगा तो एक माह के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो फिर उसको और आगे रखना है तो फिर 6 माह बाद उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर और आगे रखना है फिर 6 महीने बाद उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से वो अनंत समय तक राष्ट्रीय आपातकाल को रखा जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको संसद से हर 6 महीने बाद में 6 महीने के अंदर अंदर उसको अनुमति लेनी ही पड़ेगी, तभी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है कि यदि इस दौरान लोकसभा, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, ठीक है, आपातकाल लगाने के दौरान में लोकसभा भंग हो जाती है, कौन सी? संसद का एक सदन भंग हो गया, वो कौन सी हो गई? लोकसभा। तो अब अनुमति किससे लेगा? उसके लिए व्यवस्था की गई है कि उसे अनुमति राज्यसभा से लेनी पड़ेगी, राज्यसभा उसको अनुमति देगी, राज्यसभा का कार्य उसको अनुमति देगी, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो भंग नहीं हो सकती है, इसलिए राज्यसभा उसको अनुमति देगी। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि जैसे मान लो राष्ट्रपति ने शासन लगा दिया, राष्ट्रपति सॉरी आपातकाल लग गया और आपातकाल के दौरान उसने राज्यसभा से अनुमति ले ली, ठीक है, लेकिन उसी दौरान अगर लोकसभा का पुनर्गठन हो जाता है, किसका पुनर्गठन हुआ? लोकसभा का, भंग कौन हुई थी? लोकसभा। तो पुनर्गठन होने के बाद 30 दिन के भीतर भीतर उसे लोकसभा से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, वरना उसको लोकसभा वही समाप्त कर सकती, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की कुछ आपातकाल की कुछ कंडीशन थी। अब देखिए जैसे मान लो किस देश के राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल को किस कंडीशन में इसको हटा सकते हैं, किस कंडीशन में समाप्त कर सकते हैं, इसकी भी कुछ शर्तें होती है जिसके तहत इसको अपन हटा सकते हैं। पहला क्या है कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले, जिस राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति आपातकाल लगाया, ठीक है, और राष्ट्रपति उद्घोषणा जो उसने जो घोषणा की थी तो उसको वापस ले लेता है, तो राष्ट्रपति जो ये आपातकाल वही समाप्त हो जाए, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि राष्ट्रपति ने जो आपातकाल लगा दिया और एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमति नहीं ली, तो राष्ट्रीय आपातकाल वही समाप्त हो जाएगा। या फिर यदि निर्धारित अवधि में संसद उसको अनुमोदित नहीं करती है तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का अंत हो जाएगा, ठीक है। आपातकाल लगने पर अब देखो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर क्या होता है, कंडीशंस क्या होती है, इससे व्यक्ति उस मौलिक अधिकार होते हैं, तो क्या मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 359 के अनुसार, इसके अनुसार 359 के अनुसार अनुच्छेद 21 को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके सभी उसके मौलिक जो अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे। मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, मौलिक अधिकार कभी भी नहीं हटाया जा सकता, उसको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 359 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन और है, अगर जैसे मान लीजिए कि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लग गया, तो उससे कंडीशन में आपका अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 19 समाप्त कब होता है? जब तीनों कंडीशन हो, या युद्ध हो या भारी आक्रमण हो, उस कंडीशन में उसको निलंबित किया जा सकता है,
बट ये तो अकेला अगर सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रपति आपातकाल लगा है तो 19 अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है, ये वैसे के वैसे जारी रहता है। ठीक है, तो ये उसकी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, बात करते हैं किसकी बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दे रखा है, इससे संबंधित जितने भी जो बातें हैं, जितने भी जो तथ्य हैं, वो अनुच्छेद 356 में मिलेंगे। अब राष्ट्रीय शासन क्या होता है, कब लगता है भाई? जैसे अपने देश में राज्य हैं, अब ये राष्ट्रीय जो शासन है, राष्ट्रपति शासन है, ये सभी राज्यों में एक साथ लगना ये आवश्यक नहीं है। किसी एक राज्य में लग सकता है, दो में भी लग सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सब एक साथ लगे। ये कब लगता है कि जैसे मान लो किसी राज्य का जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और संविधान के अकॉर्डिंग उसका शासन नहीं चल रहा हो और इस बात की भनक या इस बात का पता राष्ट्रपति को मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा कि संबंधित राज्य की जो सरकार उसको तो बर्खास्त करेगा और उस सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ठीक है, अब ये पता कैसे लगे कि राज्य की जो सरकार नहीं चल रही है या संविधान के अकॉर्डिंग उसकी सरकार नहीं चल पा रही है? तो बहुत सारे तथ्य जिसके द्वारा पता लग जाता है उसमें, या तो मान लो राज्यपाल उसकी सूचना दे दे, राज्यपाल ये कहते हैं साहब हमारे राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, या अन्य किसी गुप्त सूत्र से अन्य किसी कारण राष्ट्रपति को पता लग जाए। कभी कभार क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को एक आदेश देती है और उस आदेश की पालना करना किसका कर्तव्य है, राज्य सरकार का। ठीक है, और जैसे मान लो केंद्र सरकार ने कुछ आदेश दिया और राज्य सरकार उसकी पालना नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार क्या समझती है कि राज्य के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग शासन का संचालन नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 356 में उल्लेख है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए वह इसकी सूचना राज्यपाल अथवा बिना राज्यपाल के राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाए तो संबंधित राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब देखो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है, राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अगला 356 ये कह रहा है, अनुच्छेद 356 ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राष्ट्रपति शासन लगने के 2 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 2 माह के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित करवाना आवश्यक है, स्वीकृति लेना आवश्यक है, तभी वह उसको आगे बढ़ा सकता है। एक बार स्वीकृति मिलने के बाद भी वही बात है, इसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कितने माह तक बढ़ाया जा सकता है, 6 माह तक। और किसी भी राज्य में अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन है ये 1 वर्ष तक लागू होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है उस कंडीशन में इसे 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। वो कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो या तो जैसे किसी राज्य में जो अपना चुनाव आयुक्त होता है वो चुनाव आयुक्त लिख करके ये दे दे कि ऐसी परिस्थिति में उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। या फिर कंडीशन एक ये है कि उस राज्य में पहले से ही राष्ट्रीय आपात 352 लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इसे 3 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखो अब तक ये जो राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356 की बात करें, अनुच्छेद 356 के अनुसार अकॉर्डिंग ये 116 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितनी बार लग चुका है, 116 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो तीसरा जो आपातकालीन शक्ति वह वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात क्या होता है, देखो वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 360 है और इनसे संबंधित जो तथ्य 360 में आपको मिलेंगे, इसकी जानकारी आपको 360 में मिलेगी। तो वित्तीय आपातकाल क्या है कि वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी राज्य में राज्य का नाम आ गया, इसमें उल्लेख है कि अगर अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था संकट में, उसकी साख संकट में या अर्थव्यवस्था संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो गई, तो ऐसी स्थिति में वहां पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल लग जाने पर वही कंडीशन है कि वित्तीय आपातकाल लग जाने पर उसे 2 महीने तक संसद के दोनों सदनों से अनुमति लेनी होगी
अब एक बार अनुमति लेने पर वो उसकी अवधि कितनी होगी? 6 महीने तक रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो अनंत तक समय तक रह सकता है, 6-6 माह के अंदर उसको अनुमति लेनी पड़ेगी सदन के, संसद के दोनों सदनों से। उसी प्रकार से अपन ने राष्ट्रीय शासन की बात की तो वो 3 माह तक रह, 3 साल तक रह सकता है, ठीक है। तो भारत के संविधान ने द्वितीय आपातकाल की अवधि के संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी। भारतीय संविधान वित्तीय आपातकाल की अवधि के संदर्भ में बिल्कुल मौन है, क्योंकि अभी तक अपने देश में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन अपने सामने नहीं आई। अब देखो वित्तीय आपातकाल लगता है तो वित्तीय आपातकाल लगने पर देश में क्या कंडीशन होती है, कैसी स्थिति उत्पन्न होती है या इसकी कंडीशन क्या है? जैसे मान लो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लग गया तो 360 में उल्लेख है कि न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। अपने जो न्यायाधीश हैं वो वित्तीय आपातकाल के दौरान उसका वेतन कम किया जा सकता है, या जो अन्य अधिकारी उनका वेतन में कटौती की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो वित्तीय आपातकाल लगता है 360 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लग गया तो 360 में ये उल्लेख है कि राज्य सरकार के जितने भी जो बजट है, राज्य सरकार के जितने भी जो बजट हैं वो सारे के सारे बजट अब कैसे पारित होंगे, वो बजट संघ सरकार की अनुमति से लागू होंगे। वित्तीय आपातकाल लगने पर क्या कंडीशन कैसे हुई कि न्यायाधीशों के वेतन में कटौती, दूसरी अधिकारियों के वेतन में कटौती, तीसरी कंडीशन क्या हुई कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के जो जितने भी बजट हैं वो सारे के सारे बजट संघ सरकार की अनुमति से ही लागू होंगे। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां थी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपातकाल। अभी वित्तीय आपातकाल की स्थिति भारत में अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं जो पढ़ रहे हैं जो सिलेबस है 10वीं क्लास का सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसमें बहुत सारी चीजें और है लेकिन वो उसका लेवल कुछ हाई है इसलिए बच्चों के समझ में नहीं आ पाएगा, उनके लिए मैटर कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति, किसकी बात करेंगे? उपराष्ट्रपति की। भाई उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो पद होता है उसके पदभार उसके अनुपस्थिति में संभालने के लिए एक व्यक्ति की का चुनाव किया जाता है तो उसको उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद की जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में की गई है, लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा जो सहयोग किसका करेगा? राष्ट्रपति का। सहयोग किसका करेगा? राष्ट्रपति का। क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, सारी शक्तियां उसमें निहित होती है, उसके अनुपस्थिति में फिर उपराष्ट्रपति उसकी शक्ति का प्रयोग करेगा प्रधानमंत्री की सहायता से या जो मंत्री परिषद उसके सहयोग से या अपने पदाधिकारी के सहयोग से उनका प्रयोग करेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते मनोनीत नहीं लेते, उसी के अकॉर्डिंग अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, इसमें संसद के जो दोनों सदन होते हैं ना उनकी संयुक्त बैठक के आधार पे इसका चुनाव होता है और इसका जो निर्वाचन होता है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है, प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के से तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। अब जैसे मान लो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की योग्यता होती है, प्रधानमंत्री की योग्यता होती है, राज्यपाल की योग्यता होती है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति की योग्यता भी होती है। भाई उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है, कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने पर ही उसे उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। फिर आगे क्या है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए।
35 वर्ष हो जाने चाहिए, ज्यादा तो कितनी भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 35 वर्ष होने चाहिए। इससे कम होने पर उसको उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अब आगे कंडीशंस मैंने लिखी नहीं है क्योंकि जो बाकी जो राज्यसभा के जो सदस्यों की जो कंडीशंस होती है ना, वो भी वो कंडीशन किसकी होती है, अपने उपराष्ट्रपति की होती है। तो दीवार वो जैसे अपने कम से कम 35 वर्ष हो तथा वह दिवालिया नहीं घोषित किया गया हो, भारत सरकार राज्य सरकार उसको दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, तो सारी कंडीशन उसकी वो लागू होती है। अब उसकी भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या उससे पहले भी हटाया जा सकता है क्या? देखो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो सुनिए उपराष्ट्रपति की बात करें, किसकी बात करें, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। यही पे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन कंडीशन ये है कि वह अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है, तो पद छोड़ सकता है। रूप त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अपनी इच्छा से त्याग पत्र देकर के पद को छोड़ सकता है, ठीक है। या फिर संसद के जो दोनों सदन होते हैं वो स्वीकृति से, एक विशेष बहुमत होता है, उस बहुमत के द्वारा अगर वो प्रस्ताव पास कर लें तो उसे स्वीकृति से उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है उसे हटाने से पहले 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। ये उसकी पदच्युति संबंधित बातें हो गई। अब बात करते हैं भाई राष्ट्रपति का कार्य क्या है, क्या काम करता है राष्ट्रपति, काम क्या करता है कि राष्ट्रपति के अनेक कार्य होते हैं। पहला तो कंडीशन ये है कि वो अपने जो राज्यसभा होती है ना उसका पदेन सभापति होता है। हर राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है। इन कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन वो राज्यसभा का अध्यक्ष तो होता है, लेकिन वो राज्यसभा में मत नहीं दे सकता, मत देने का अधिकार उसके पास नहीं है क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है। लेकिन वो मत कब दे सकता है कि जब राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष में किसी मत पर बराबर बराबर मत आ गए, किसी विचार पर बराबर बराबर मत आ गए, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके पास अधिकार है कि वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। ऐसी कंडीशन में अपना मत दे सकता है, वरना उसको मत देने का अधिकार नहीं। अब बात करते हैं भाई राष्ट्रपति का जो ये उसका कार्य नहीं, पहला हो गया इसका, कौन सा हो गया? ये पहला है, ठीक है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है इसलिए उसे मत देने का अधिकार नहीं, परंतु निर्णायक मत देने का उसका अधिकार है। सेकंड शक्ति की बात करते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके पद का कार्यभार संभालता है। जैसे मान राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालता है। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें वो राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है? पहला है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, जैसे मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। सेकेंड है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर, किसी कारण से राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है, ऐसी कंडीशन में भी उसके कार्यभार को कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। तीसरा है महाभियोग के कारण। देखो महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। महाभियोग क्या होता है कि संसद के दोनों सदन जब स्वीकृति को प्रस्ताव को पास करके इसके प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उसको स्वीकृति दोनों सदनों से मिल जाती है, उसको पद से हटा दिया जाता है राष्ट्रपति की पदच्युति पर, ठीक है। अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति असमर्थता, यानी कि अन्य ऐसा कोई कारण हो गया कि जिससे राष्ट्रपति अनुपस्थित नहीं आ सकता है, जैसे मान लो या तो विदेश यात्रा चला गया हो, ठीक है, या फिर वो बीमार हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आता है या अनुपस्थित रहता है, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है, वही कार्य करता जो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का मैटर, उपराष्ट्रपति का मैटर काफी छोटा है क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत कम दे रखा है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए तैयार किया गया है।